फ्रेंड्स वेलकम टू द शो। चलिए अब हम अपनी गेट की झालर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये वाला जो बॉर्डर होता है ऊपर का बॉर्डर बनाना बताया था, और ये जो रेड कलर से 1 2 3 4 5 ये जो 5 हाथ हुए हैं ये वाले मैंने बनाए थे। ये देखिए, ये मैंने इसमें बनाया हुआ है, ये मैंने ऊपर वाला बॉर्डर बनाया है, और ये मैंने यहाँ पर ये वाले 1 2 3 4 5 ये वाले मैंने पांचों हाथ कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपना ये ब्लू धागा ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मेहरून धागे ख़त्म हो गया है। अब हम वाइट, फिर से वाइट धागा लगाएंगे। ऊपर हमने यहाँ पर लेमन कलर लगाया है, तो अब मैं फिर से लेमन धागे का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर वाइट धागा ऐड करना है, तो हम इसमें ये हमारा वाइट धागा है, ब्लू धागे को हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया है ये, और यहाँ पर हम कहीं पर भी ऐसे करके ऐसे ये वाला वाइट धागा ऐड कर लेते हैं। ये मैंने इसमें ऐड कर लिया यहाँ पर। अब हम इसमें ये देखिए, यहाँ पर 1 2 3 ये वाले हम 3 फंदे बनाएंगे डबल क्रोशिए से। इसमें हम ये यहाँ पर डबल क्रोशिए से 3 फंदे बना लेते हैं, 1 2 और 1 3। ये देखिए, मैंने 3 फंदे बना लिए हैं डबल क्रोशिए से, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 पे ही लास्ट किया था, तो हम वाइट कलर का 3 से ही स्टार्ट करेंगे। 3 से हमने वाइट कलर के फंदे बना लिए हैं ये वाले। अब हम यहाँ पर 9 चेन बनाएंगे, 9 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ये हमने 9 चेन बना ली है। अब 9 चेन बनाने के बाद ये देखिए, यहाँ हमने डबल क्रोशिया दो दो फंदे 1 2 3 4 बार बनाए हैं ये वाले। ये हमने पहले 1 2 3 4 बार बनाए थे, अब हम इसको कम करते जाएंगे, यानी कि 4 की जगह इस बार हम 3 बार बनाएंगे ऐसे, 1 2 और 1 3 साइड में यहाँ नहीं बनाएंगे, जैसा हमने इसमें बनाया है। ये देखो, हमने यहाँ पर 3 फंदे बनाए, फिर 9 चेन बनाई, और अब हमने ये देखिए 1 2 3 3 बार दो दो फंदे बनाए हैं, तो इसमें भी हम 3 बार दो दो फंदे बनाएंगे। इसके बीच में ये यहाँ पर इस चेन में नहीं बनाएंगे, यहाँ इसके सेंटर में बनाएंगे हम, यहाँ पर 2 फंदे। एक और 1 2 अब हम इसके बीच में ये स्पेस है, यहाँ पर बनाएंगे 1 और 1 2 और अब हम यहाँ पर बनाएंगे 1 और 1 2। ये देखिए, जैसे हमने इसको बढ़ाया था 1 2 3 4 ऐसे ही हमने 3, नेक्स्ट टाइम 2 और लास्ट टाइम 1 बनाएंगे। अब हम फिर से अपनी 9 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 ये हमने 9 चेन बनाई। अब ये जो हमारी यहाँ पर है, यहाँ पर हम फिर से एक बार 3 फंदे बनाएंगे इसके सेंटर में, इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे ताकि ईजली बन जाए, वरना थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम होती है ऐसे। ये 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमारा ऐसे ये वाला हाथ बन गया, ये हमारा ये वाला हाथ बन रहा है ये वाला। ये यहाँ पर 3 फंदे आ गए। अब हम फिर से, फिर वही होगा हमारा,
यहाँ पर हम नो चेन बनाएंगे और यहाँ पर तीन बार दो दो फंदे, फिर नो चेन, फिर तीन फंदे। ये देखिए, ये वाला हाथ हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी ये आपको देखो, अभी आपको ये ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि अभी हमारे में ये लटकन झुकाव नहीं आया है। ये देखिए ऐसे, जब ये हमारा ऐसे लटक जाएगा तब हमारा बिल्कुल सेम ऐसे ही लगने लगेगा। ये देखिए, ये हमारा अब सेम ऐसे ही लग रहा है। अब हम अपना नेक्स्ट हाथ शुरू करेंगे, इसको टर्न कर लेंगे। जैसे हमने पहले यहाँ पर फंदे पहले नो लिए थे, नो के सात, सात के पाँच और पाँच के तीन बनाए थे, ऐसे ही अब हम इनको बढ़ाते जाएंगे। अब हमने तीन फंदों से शुरू किया है तो अब हम तीन के पांच फंदे बनाएंगे। तीन फंदे तो हम इसके ऊपर ही बुन लेते हैं। तीन फंदे तो हम सेम इसके ऊपर ही बनाएंगे, एक दो और एक तीन। तीन फंदे तो हमने इसके ऊपर बनाए हैं और दो फंदे हम एक्स्ट्रा बुन लेते हैं यहाँ से, चार और एक पांच। ये हमारे पांच फंदे हो गए हैं। अब हम नो चेन बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने नो चेन बनाई है और अब हम ये तीन की जगह दो बनाएंगे यहाँ इसके सेंटर में ऐसे। एक और एक दो। अब इसके यहाँ ये छोड़ देखो, इसके सेंटर में यहाँ पर फिर से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक दो। ये इस बार हमने दो बनाए हैं, फिर से हम नो चेन बनाएंगे अपनी। देखिए, हमने फिर से नो चेन बना ली है और नो चेन बनाने के बाद ये जो हमारे तीन फंदे थे हम अब इनको पांच बनाएंगे। एक फंदा यहाँ बाहर बना लेंगे इसके ऐसे, तीन फंदों के ऊपर तीन बनाएंगे, एक दो और एक तीन। ये हमने तीन के ऊपर तीन बनाए, एक इधर और एक एक्स्ट्रा हम इधर बनाएंगे। ये देखो ऐसे। अब हम फिर से वही करेंगे, सेम ऐसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे। नो चेन बनाएंगे, यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया दो दो बनाएंगे, फिर नो चेन बनाएंगे और फिर लास्ट में तीन की जगह पांच फंदे बनाएंगे। देखिए शेप आने लगी है। अब हमारा ये देखो, ये वाला हाथ कंप्लीट हो गया है। अब हम इस वाले हाथ पर आ गए हैं। अब हम इसको टर्न करेंगे। यहाँ पर हम ये हमारे पांच फंदे हैं, पांच फंदे हम इनके ऊपर बनाएंगे और दो फंदे बाहर से, यानी कि ये हम पांच की जगह सात, सेवन फंदे बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने सेवन फंदे बना लिए। अब हम नो चेन बनाएंगे, यहाँ पर नो चेन बनाएंगे और इसके बीच में यहाँ पर दो फंदे बनाएंगे डबल क्रोशिया से। ये देखिए, यहाँ पर हमने नाइन चेन बनाई है और यहाँ पर एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाया है। हम यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक। इट मीन्स हमने यहाँ से ये वाला और ये वाला हाथ कंप्लीट कर लिया है। ये देखो, अब हम फिर से यहाँ पर नाइन चेन, सेवन फंदे, नाइन चेन, दो फंदे, नाइन चेन और यहाँ सेवन फंदे, ये हाथ कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा ये वाला सेवन वाला हाथ कंप्लीट हो गया है। अब हम इधर आ गए हैं, ये वाले हाथ बनाएंगे। अब हम ये वाला हाथ बना लेते हैं। ये देखिएगा, ये देखो, ये जो हमने सेवन फंदे बनाए थे इस बार हम इनको नाइन फंदे बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर नाइन फंदे बना लेती हूँ, सेवन ये हैं और दो एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर मैं नाइन फंदे बनाती हूँ। ये देखिए,
ये हमने 9 स्टिचेस बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर ये देखो, ये हमारा यहाँ पर 2 फंदे जब आ जाते हैं तो अब हमें और नहीं बनाने हैं, अब हम यहाँ पर 18 चेन बनाएंगे डायरेक्ट। अब हम यहाँ पर ये वाली, ये देखो इसमें ये वाली 18 चेन बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने 18 चेन बनाई है। अब हम यहाँ पर फिर से 9 फंदे बनाएंगे, एक फंदा इधर से एक्स्ट्रा बनाएंगे और एक इधर से, और बाकी 7 इनके ऊपर बनाएंगे। ये देखो, ये हमने 9 स्टिचेस बना दिए हैं, ये वाले ये 9 स्टिचेस बन गए हैं। अब हम फिर से 18 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 9 स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा ये वाला हाथ कंप्लीट हो गया है। ये देखो, ये हमारा यहाँ पर हाथ कंप्लीट हो गया है। हम इसको जितना चाहें, अगर हमें इतनी ही झालर रखनी है तो हम इसको इतना ही रख सकते हैं। मैंने इसमें 2 हाथ अभी और बनाए हैं जो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। अब हम इससे नेक्स्ट हाथ बनाएंगे। ये देखो यहाँ पर, ये हमारे 9 फंदे हुए थे। अब हमें इनको घटाना है ऐसे, ये 9 की जगह यहाँ हम 7 फंदे बुनेंगे और फिर हम 5 बुनेंगे। अब हम यहाँ 9 की जगह 7 फंदे बुनेंगे, 2 फंदे हम छोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमने 7 फंदे बुने हैं, ये वाले 2 छोड़ दिए हैं। अब हम 9 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। ये हमने 9 चेन बना लिए हैं। और अब हम 9 चेन बनाने के बाद यहाँ पर फिर से ये वाला स्टार्ट करेंगे, ये वाला पार्ट। तो हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर इसके सेंटर में, ऐसे थोड़ा इसको पकड़ लेंगे और यहाँ पर हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 और 1, 2। ये हमने इसमें 2 डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम फिर से ये देखो ऐसे, ये 9 चेन बनाएंगे, 9 फंदे, 9 चेन ऐसे। अब हम इसमें फिर से 9 चेन बनाएंगे और यहाँ पर सॉरी, यहाँ हमारे 9 है, 9 की जगह हम इसमें 7 फंदे बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने 9 चेन बना ली है। अब हमें 9 की जगह 7 फंदे बनाने हैं, एक फंदा इधर छोड़ देंगे और एक इधर छोड़ देंगे। बीच में हम यहाँ पर 7 फंदे बनाएंगे, फिर 9 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 9 चेन, 7 फंदे। ये देखिए, ये वाला हमारा हाथ कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें लास्ट हाथ पर आ गए हैं। अब हमारा ये लास्ट वाला होएगा, ये वाला। अब ये देखिए, जो हमने ये 7 फंदे बनाए थे, 7 की जगह इस बार हम 5 फंदे बनाएंगे। अभी मैं 5 फंदे और 9 चेन बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने 5 फंदे और 9 चेन बना लिए हैं। अब हम ये जो हमने बीच में डबल क्रोशिया बनाया था, इसके दोनों साइड ऐसे एक फंदा एक और बनाएंगे, 2 फंदे, इसको यहाँ ले आएंगे। और अब इसके दूसरी साइड ऐसे ही एक फंदा और एक और फंदा, ये 2 फंदे ले आए ऐसे। ये हमारा लास्ट हाथ होएगा, ये लो, ये देखिएगा ये। अब हम फिर से 9 चेन, 5 फंदे, 9 चेन, 1, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 9 चेन और 5 फंदे बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने धागा तोड़ दिया है और ये हमारा सेम ऐसी ही झालर हमारी तैयार हो गई है। ये देखो, बिल्कुल सेम ऐसी ही झालर बन गई है ये वाली। हम चाहें तो इसमें एक हाथ और कर सकते हैं। अब इसमें ये जो झालर लटकी है, अब मैं ये बताती हूँ ये हमने कैसे बनाई है। इनको हम कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें मैंने रेड और येलो यूज़ किया है,
अभी मैं आपको इसमें झालर कहाँ कहाँ, देखो एक तो यहाँ पर लटकाना है और यहाँ यहाँ इसके सेंटर में, इन दोनों के बीच में, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ऐसे इसमें हमें झालर लटकानी है, पिंग पोंग बनानी है। वो कैसे बनानी है वो आप देख लीजिएगा, मैं आपको एक यहाँ बनाकर दिखा देती हूँ। ये हम यहाँ पर हम एक धागा ऐड करेंगे, कोई भी धागा ऐड कर सकते हैं हम, ये हम डबल धागा यूज़ करेंगे। अब ऐसे हमने डबल धागा लिया और यहाँ पर हम ये हम इसको बांध देंगे। ये देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले ऐसे दो चेन बनाएंगे, एक और एक दो, केवल दो चेन बनानी है, ज़्यादा नहीं बनाना है। अब हम इसमें यहाँ पर जैसे हमने ऊपर किया था ऐसे ही एक लंबा लंबा खींचेंगे, एक दो तीन चार और एक पांच, ये हम पांच बार करेंगे ऐसे और इसको यहाँ बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ एक चेन और बनाएंगे, ये यहाँ पर फिर डबल चेन बनाएंगे ऐसे, फिर से ऐसे ही इसी चेन के अंदर, इसी के अंदर लेना है हमें ये वाला, यहाँ लेना है, फिर से हम पांच बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार और एक पांच। आप चाहें तो ये देखो ऐसे यहाँ डबल चेन बनाएंगे और हम इसको ऐसे बंद कर देंगे। ये देखिए ये जैसे हमने ये बनाई है, ये मैंने इसमें एक और एक दो फ्लफी बनाई है, आप चाहें तो तीन या चार भी बना सकते हैं ऐसे, ये इस तरह से बन जाएंगे। हम यहाँ पर जितने चाहें उतने बना सकते हैं। ये देखो हमने दो फ्लफी बनाए हैं, इसमें भी मैंने दो दो बनाए हैं, हम इसको जितना अधिक चाहें उतना अधिक बना सकते हैं। और इसके नीचे ये वाला ये बन गया ऐसे, ये देखिए ऐसे जैसे हमारा यहाँ बना है, ये देखो ऐसे ही हमारा सेम यहाँ बन गया है। और यहाँ हम चाहें तो नीचे कोई हैवी मोती हो या कोई चूड़ी है, कोई लटकन है, कुछ भी हम यहाँ पर लटका सकते हैं ताकि इसका वेट हो जाए। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इस तरह के पिंग पोंग बनाकर लगा सकते हैं। ये कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये पिंग पोंग बनाने के लिए हमें इस तरह से कोई भी पेंसिल लेनी है, कोई भी बेकार पेन या पेंसिल ले सकते हैं हम। और उसके बाद हम इसमें एक डबल धागा ऐसे पेन में ऐसे लगाएंगे, इस तरह से ऐसे एक धागा लगाएंगे। और अब हम इस धागे को ऐसे ये हम ऐसे करके ऐसे ये धागा पकड़ेंगे डबल, और इसके ऊपर अब हम ये वाला अपना कोई भी धागा ऐसे ऐसे इसके ऊपर लपेटते जाएंगे। ये हमारा इधर रहना चाहिए, हम इसको ऐसे लपेटते जाएंगे, खूब ऊपर तक लपेट लेंगे, इसको हम काफ़ी बड़ा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह हम खूब सारा लपेट लेंगे, और बड़ा बनाना है तो हम और भी बड़ा लपेट सकते हैं। और जो हमने इसके अंदर धागा डाला था वो ये वाला धागा है। अब हम इस धागे को ऐसे नोट कर देंगे टाइट से, जितना भी टाइट हम गांठ लगा सकते हैं इसमें हम ये ऐसे बांध देंगे इसको, ये हम टाइट से टाइट बांधेंगे ताकि ये हमारा लूज ना पड़े। अब हम इसको या तो किसी ब्लेड वगैरह की हेल्प से ऐसे काट देंगे वूल को ऐसे, अगर नहीं वो हो सकता है तो हम इसको बाहर ये किसी सीजर की हेल्प से ऐसे करके हम इसको काट देंगे। ये देखिए ये हमने इसमें से ये पूरा काट दिया है और इस पेन को हमने इसमें से बाहर निकाल दिया है। अब हम इसको ऐसे ये कर देंगे, ऐसे राउंड में बनाएंगे और इसका ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है
ये सब हम इसकी शेप इक्वल कर देंगे ताकि ये हमारा बिल्कुल एक सर्किल जैसा बन जाए। ये देखिए ऐसे ये हमारा पिंग पोंग तैयार हो गया है। और अब हम इसको यहाँ से हम कट कर देंगे ये, और इसको हम यहाँ पर इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। इसको हम क्रोशिए की हेल्प से ऐसे इसके अंदर ये धागा लेंगे और इसको यहाँ हम टाइट से बांध देंगे। ये रहा। ये देखिए और इनको भी हम इसके इक्वल कर देंगे। ये इस तरह से ये हमारा पिंग पोंग ये देखो ऐसे तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम पूरे यहाँ जो भी कलर हमें सूट करता है वही वाला हम ये वाला बना सकते हैं। ये देखो इस तरह से हमारे गेट की बहुत सी प्यारी सी सुंदर सी झालर तैयार हो गई है। और आप इसको किसी भी कलर में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप अपने मंदिर में ड्राइंग रूम में कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम लास्ट में ये वाली इसकी किनारी बनाएंगे। ये किनारी बनाने के लिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार। चार चेन बनाने के बाद हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिए से। आप कोई और डिज़ाइन की किनारी भी बना सकते हैं। फिर से चार चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार। फिर से इसको थोड़ी दूरी पर अटैच कर देंगे ऐसे। इस तरह से हम ये इसकी पूरी चारों तरफ की ऐसी किनारी बना सकते हैं ये वाली, जिससे ये सुंदर लगेगा। जैसे पिंग पोंग हमने नीचे बनाई है उसी का छोटा पिंग पोंग बनाकर हम इसके सेंटर में डिज़ाइनिंग के लिए लगा सकते हैं। अगर हमें ये नहीं लगाना है तो हम किसी नग या स्टोन्स या मोती वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये झालर ज़रूर पसंद आएगी। और प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। त्यौहार में ये आपके घर में चार चांद लगा देगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।